तेरे मेरे साथ रही के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मिथिला पूछ रही होती है कि क्या मैंने सक्षम के लिए एक अच्छा पत्नी ढूंढने के लिए कोई भूल किया है। मिथिला बोलती है कि मैंने तो अपने सक्षम के लिए एक लीडर को चुना था, पर आज वो सर झुका कर खड़ी थी, बहुत डरी हुई थी, क्या मैंने कोई भूल किया है। एक है कि मिथिला रो रही होती है, दूसरी तरफ गोपिका भी पापा के सामने बैठकर रो रही होती है वो बताती है कि उसे आज ये सब करना इसलिए पड़ा क्योंकि वो आशिक की जिम्मेदारी ली थी। उसने बताया था कि वो आशिक की देखभाल करेगी, इसलिए उसे सबके सामने सर झुकाकर खड़ा रहना पड़ा। क्या मिथिला को गोपिका की सच्चाई के बारे में पता चलेगा? अगर पता चलेगा तो उसके बाद क्या होगा? क्या फिर से मिथिला गोपिका को प्यार कर पाएगी या फिर सच्चाई जानने के बाद उससे नफरत